विकास के नाम पर दिल्ली में आम पार्टी की केजरीवाल सरकार के हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, हिंदुओं की जनभावनाओं का केंद्र मंदिर को विध्वंस करना निंदनीय है। वहीं उसी रोड पर आगे एक अन्य समुदाय का धर्मस्थल है, इसको नहीं हटाया गया, जबकि दिल्ली की कई सड़कों को अन्य धर्मस्थल को बचाने के लिए कई बार सड़कों को मोड़ दिया गया, लेकिन जनता की आस्था का केंद्र हनुमान जी के मंदिर को हटाया गया। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू समाज, संस्कृति बचाओ मंच व समस्त हिंदू संगठन इसका घोर विरोध करता है। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और हिंदुस्तान में केजरीवाल जैसे राजनीतिक लोग मंदिर को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज संस्कृति बचाओ मंच ने दिल्ली में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के निर्देश पे और केजरीवाल के मार्गदर्शन में उसके आदेश पर हिंदुओं की आस्था के केंद्र मंदिर को विध्वंस किया, उसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसे संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हो, वहीं पर आगे जाके एक और अन्य समाज का धर्म स्थल था, उसको आपने हटाने का प्रयास नहीं किया। मेट्रो की लाइन डालने के लिए आपने जो है विकास कार्य के नाम पर जो है डाइवर्ट धर्म स्थल को बगैर हटाए हुए डाइवर्ट कर दिया, आपने रोडों को डाइवर्ट कर दिया, लेकिन हमारी आस्था के केंद्र हनुमान जी के मंदिर को जिस प्रकार से आपने विध्वंस किया उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही सिर्फ इस देश पर राज करेगा। ये तुष्टीकरण की नीति अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।